जानकारी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी है आज। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ करेगी ईडी। कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है पेशी से पहले, समर्थन में कर रहे थे नारेबाजी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख कर रहे हैं। आपको बताएं, ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी है आज। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ करेगी। कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इस खबर से जुड़ी हुई कुछ खास तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशी से पहले समर्थन में नारेबाजी भी की जा रही है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पेशी से पहले समर्थन में नारेबाजी। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी है आज। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, जानकारी चाहूंगी मैं आपसे, राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी है। बिल्कुल, देखिए नेशनल हेराल्ड केस में यह पूछताछ चल रही है और सोनिया गांधी को भी नोटिस हुआ था, राहुल गांधी को भी नोटिस हुआ था और उसमें इस पूछताछ को लेकर, इस ईडी की पूछताछ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में। और प्रदर्शन कर देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया था कि आज पूरे देशवासी आह्वान किया जाएगा, आह्वान किया गया था और उसी के तहत आज ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस तरह का शांति धर्म भंग न करें, इसको लेकर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी दिया गया है। हेलो, सुशील आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। सुशील, अगर बात की जाए कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय पर सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और वहाँ राहुल गांधी के पक्ष में ये प्रदर्शन की बात की, प्रदर्शन का आह्वान किया गया था कि वहाँ ऊपर से वो प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध जताएंगे और ईडी मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करने की बात की, वहाँ भी ऊपर जाकर और विरोध जताएंगे कि किस तरह से ये राजनीतिक द्वेष भाव से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि राजनीतिक द्वेष भाव से इस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस कर ईडी पूछताछ कर रही है या ईडी कार्रवाई कर रही है। राजनीतिक द्वेष का मामला है, राजनीतिक द्वेष की बात की जा रही है। अब इसे पूछताछ ईडी कर रही है, इसी 23 तारीख को सोनिया गांधी को भी ईडी ने बुलाया है और उनसे पूछताछ करने की बात कही है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।